इस सवाल में आपको एक एम मास का ब्लॉक दे रखा है और दिया गया है कि दो फोर्सेस लग रहे हैं पी और क्यू इस ब्लॉक पे, जैसा कि दे रखा है उसी डायरेक्शन में। क्यू वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आपसे कहा गया है कि म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना हो सो दैट ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पर लगने वाले सारे फोर्सेज ड्रॉ करते हैं उनको कंपोनेंट फॉर्म में। सबसे पहले तो नीचे फोर्स लग रहा होगा एम जी, ऊपर इस ग्राउंड में फोर्स लगाया होगा नॉर्मल फोर्स। इसके अलावा ये जो फोर्स क्यू लग रहा है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्यू साइन थीटा। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस मान लूं तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखने पे मुझे क्या मिलेगा? वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल, बाकी फोर्सेस सारे नीचे लग रहे हैं क्यू कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज नॉर्मल की वैल्यू आ गई एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है पी और क्यू, इसकी वजह से ब्लॉक आगे की तरफ मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ है दैट इज इक्वल टू ये फ्रिक्शन इस पी और क्यू साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू होगी पी प्लस क्यू साइन थीटा। नाउ हमें पता है कि आपका जो फ्रिक्शन है इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। दिस इम्प्लाइज पी प्लस क्यू साइन थीटा हैज टू बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज म्यू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू है, पी प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा।